feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। कैसे आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज है वेडनेसडे, टाइम हो रही है अभी 11:30 कुछ हो रही है, तो इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, जिस तरह से मैंने दिखाया कि लंच भी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है, जल्दी जल्दी से आज लंच बना रही हूँ, क्योंकि काफी सारा काम जो है पेंडिंग है वो सब ठीक ठाक करना है। लंच जो कि किचन में मैंने लाके रख दिया है, क्योंकि ये बाहर में लगा था, इसको मैंने रिपोर्ट करके यहाँ पर लाके रख दिया है। उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, क्योंकि थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। कुछ बोतल भी मैंने निकाला है, वो सब पानी के लिए मैं यूज करूंगी, क्योंकि कबर्ड के अंदर रह के कुछ फायदा ही नहीं है, उससे अच्छा है कि यूज करो। इसमें आटा डाल दिया है, आटा में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये घर पे ही बना है जीरा पाउडर, थोड़ा सा भून के, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी डाला है। उसके बाद डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. तो लंच वगैरह होने के बाद एंजल नहा धो के भी रेडी हो गई थी, तो उसको चोटी अभी बना रही हूँ। चोटी बनाने के टाइम वो बहुत एंजॉय करती है, मिस बच्चे को ना चोटी में अगर कुछ ना कुछ अगर आप करते रहते हो, स्पेशली गर्ल बेबी की बात कर रही हूँ, वो बहुत एंजॉय करते हैं। एंजल के पास ये तो है, सोने के टाइम पर भी उसको सर में इस तरह से आप आराम से चोटी के साथ अगर खेलेंगे तो वो बहुत जल्दी सो जाती है। ये मैं मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो ये ट्रांसफ़र हुई है इसको। और अभी जस्ट चोटी बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। पहले मैं एंजल को हमेशा लंच खिला देती हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मीन्स छोड़ देती है प्लेट पे, तो फिर मुझे उसको खाना पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं उसको खिलाती हूँ पहले, उसके बाद मैं खाती हूँ, नहीं तो फिर से मुझे दोबारा खाना पड़ता है और फिर ओवर ईटिंग भी कभी कभी हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती चल रही है माँ बेटी की, कभी कभी इस तरह से लगता है, और एंजल यहाँ पर टीवी देखते हुए अपना लंच को एंजॉय कर रही है। काफ़ी टाइम हो चुका है और कुछ काम था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। टाइम हो रही है अभी शाम का टाइम, बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गई है। आज मैं ये बालकनी में खड़ी हूँ, क्योंकि वो बालकनी पे बहुत सारा कपड़े कुछ धुले होके मैंने कल डाला था, बट अभी तक वो सूखा नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा क्लाइमेट जो है थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी था, इसकी वजह से कुछ भी कपड़ा नहीं सूखा है। और यहाँ पर एंजल आ चुकी है। क्या हुआ? हाय हाय, आलू फ्रेंच फ्राइज, उसको खाना है आलू फ्रेंच फ्राइज। तो मैं ना जो पैकेट वाला जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज होता है वो आजकल मंगाती नहीं हूँ घर में, उसको आलू को भी थोड़ा सा फ्राई करके बिग बास्केट आ सूची, मैंने बिग बास्केट आ रही है। हाँ, वन सेकेंड, तो उसके लिए थोड़ा सा बना दूंगी, नहीं तो मेरा हालत खराब कर देगी वो। मुझे थोड़ा सा जीरा पानी पीना है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जीरा को मैंने भिगो के रखा था वो डाल रही हूँ, और उसके साथ जाएगा और थोड़ा पानी। ये थोड़ा सा बॉईल होने के बाद
ओके ओके, जीरा के साथ आपको खाना है। ये देखो ये कौन डाला है यहाँ पर, उठा के रखो, उठा के रखो चेयर के ऊपर। और अंजल को देखो यहाँ पर खड़ी है चेयर के ऊपर और यहाँ पे सेपर सेपर कर दिया है कि ये किसका है। पापा ये तो मम, दिस इज एंजल एंड दिस इज पापा, मीन्स एंजल इतना सारा खाएगी और पापा इतना सा, ये ना इंसाफी है, 50-50। और मामा तो मामा के लिए कोई नहीं पूछता है। नहीं तो बच्चों को इस तरह से आप दे सकते हैं फ्रेंच फ्राइज बना के, ऑयल में सिर्फ आपको फ्राई करना है, उसके बाद टिश्यू पेपर में निकाल के उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, बस हो जाएगा आपका होममेड फ्रेंच फ्राइज। ये जाएगा अभी ऑयल पे, ये साउंड होगा अभी कर 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 कर। अंजल का खाना हो चुका है फ्रेंच फ्राइज और रात का खाने की तैयारी। तो ये है बड़े वाले बीन्स जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्पेशली राजमा से तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप साइज देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा है ये। तो इसको अभी एक आलू के साथ बॉईल करूंगी। ये है बेड का हालत, देखो कितना सारा ड्रेस मेरा पड़ा हुआ है, तीन ड्रेस है, तो अभी इसको समेटना है। और बालकनी का हालत तो पूछो मत, कितना सारा कपड़ा, धुले हुए कपड़ा, बट अभी तक सूखा नहीं है, अभी तक सूखा नहीं है। मैं हमेशा हाथ या पैरों में इरेजर यूज कर लेती हूँ और उसके बाद जो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं काफी ज्यादा परेशान भी हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए था जो कि मेरे स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रखे और बहुत ही ज्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज होकर रखे। एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया ये है न्यूड का एक्सपोज योर सेल्फ आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन है, तो हम लोग घर पे ही जो भी हम लोगों का अनवांटेड हेयर है रेजर वगैरह यूज करते हैं या वैक्सिंग वगैरह यूज करते हैं, तो उसके बाद का जो सिचुएशन होता है स्किन के साथ वो ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सजेस्ट करूंगी, ये आप जरूर लगाए। जिस तरह से आप बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं ना, थोड़ा सा हाथों में लेके अच्छे से स्किन पे मसाज करते हुए लगा देना है और कुछ ही मिनटों में ही ये अपना जो है काम कर देता है। आप देखेंगे स्किन बिल्कुल भी इस तरह से क्रैकी क्रैकी नहीं दिखता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से ये स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है और स्किन बिल्कुल भी रेडनेस भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इन्ग्रीडियंट, इसमें है एलोवेरा, जोजुबा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लैवेंडर ऑयल, क्लोव ऑयल, विटामिन ई, मेंथल, और इसमें बहुत सारा इस तरह से एक्टिव नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है जिसकी वजह से आपको स्किन को ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है और उसके साथ साथ स्किन आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सफल भी होता है। ये आपको ऑनलाइन इजिली मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, न्यूड की वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो सारा परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत सारा सवाल आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीदी क्या करें, किस तरह से अपना स्किन को ट्रीट करे जिस तरह से कि हार्म ना हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो सारा जो डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ, अभी बहुत सारा काम कुछ करना है क्योंकि जो कपड़े आप लोगों ने देखे वो सब कबर्ड के अंदर जाएगा और उसके बाद मुझे डिनर का भी प्रिपरेशन करना है, दो वीडियो एडिट करना है तो वो सर करूंगी, कल की ब्लॉग के लिए भी एडिट करना है, तो एडिटिंग का बहुत सारा काम है क्योंकि आज मैंने कुछ भी
वीडियो पब्लिश वगैरह नहीं किया है, बाकी और काम अगर करती हूँ तो एक काम को छोड़ना पड़ता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। Looking on my back and you are still the same.